पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी झूठ और भ्रम फैलाने के काम में लगी हुई है और कई हथकंडे दिल्ली में अपनाए उन्होंने। हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया, चुनाव लड़ रहे, तीन बार से चुनाव हार रहे, 27 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव हार रही। तो जब चुनाव हार गए तो प्रयास किया आम आदमी पार्टी को खत्म करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो, इनके विधायकों को तोड़ो, इनके नेताओं को तोड़ो, उसमें भी फेल हो गए। अब जब जीत नहीं पा रहे हैं तो कह रहे मुख्यमंत्री आवास पे कब्जा कर लो, तो मुख्यमंत्री के आवास पे कब्जा करने की नई लालसा और इच्छा, क्योंकि मुख्यमंत्री तो बना नहीं पाते, 27 साल से भाजपा ही चुनाव हार रहे हैं, तो अब वो मुख्यमंत्री के आवास पे कब्जा करना चाहेंगे। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, केजरीवाल साहब ने घर खाली कर दिया, उसको लेके इन्होंने दुष्प्रचार फैलाया। ये वो प्रमाण पत्र है जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने घर को खाली कर दिया, लिख के दिया हुआ है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री के तौर पे आतिशी जी को उस आवास में जाना था, तो उन्होंने ये दो पत्र है जिसके बारे में कहने के बावजूद वो मुख्यमंत्री का आवास आतिशी जी को अलॉट नहीं किया जा रहा है, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री है। तीसरी बात, उन्होंने वहां पर मुख्यमंत्री का कैंप कार्यालय बनाकर मीटिंग शुरू की, तो वो मीटिंग करने के बावजूद वहां के स्टाफ को खाली करा दिया। जहां तक ये फैलाया जा रहा है चाबी नहीं दिया, वो भी एक झूठ है, उसका भी प्रचार कर रहे हैं भाजपा। तो कुल मिला के ये जो एक भ्रम और झूठ भाजपा के लोग फैला रहे थे उसके संबंध में आप लोगों को जानकारी देनी थी। इनका नाम ही भारतीय झूठा पार्टी है, झूठ बोलने के अलावा कुछ करते नहीं।